हे गाइस, मैं हूँ सौरभ और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रेड गियर के प्रो सीरीज वायरलेस गेम पैड की। तो देख सकते हैं ये एक वायरलेस गेम पैड है और मैंने इस गेम पैड को इसलिए सिलेक्ट किया अनबॉक्सिंग करने के लिए क्योंकि आपको इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी अप टू 10 मीटर्स तक की मिल जाती है और आपको इसमें इल्यूमिनेटेड बटन्स मिल जाते हैं। इल्यूमिनेटेड बटन्स का मतलब ये है कि अगर आप नाइट में भी गेमिंग कर रहे हैं तो फिर आपको बटन्स अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। तो देख सकते हैं, मैं जैसे होम बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए ये सब इल्यूमिनेट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं ये इल्यूमिनेट हो गए हैं। अभी आपको इतना नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि मैंने अभी लाइट्स को ऑफ नहीं किया है। जब मैं लाइट्स को ऑफ करूँगा तभी आपको पता चलेगा कि सचिन में इल्यूमिनेट भी हुआ है। और फ्रेंड्स, होम बटन दबाने से ही ऑन हो जाता है। और इसकी सबसे स्पेशल फीचर ये है कि ये एक जेनेरिक गेम पैड भी है और एक एक्सबॉक्स 360 वायरलेस गेम पैड भी है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट इनपुट मोड भी देखने को मिलता है और एक एक्स इनपुट मोड भी देखने को मिल जाता है। तो इसकी टेस्टिंग भी करेंगे हम मोबाइल, पीसी और अपने टीवी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, अभी हम खेलने जा रहे हैं अपने टीवी में। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इसे एक्स इनपुट मोड में रखा हुआ है इसलिए ये कनेक्टेड नहीं है। और टीवी के लिए आपको डायरेक्ट इनपुट मोड ही चाहिए होगा। तो डायरेक्ट इनपुट मोड में स्विच करने के लिए आपको होम बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंट्रोलर कनेक्टेड करके एक नोटिफिकेशन भी आपको दिखा देगा। तो अभी हम रियल रेसिंग 3 खेलने जा रहे हैं। तो मैं एक करता हूँ। और फ्रेंड्स, इस गेम को खेलने के लिए आपको कंट्रोलर तो चाहिए ही होगा।
इस गेम को अगर आप पीवी में खेलोगे तो फिर ये कंट्रोलर के बिना वर्क नहीं करेगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे नीचे TCL स्मार्ट रिसीवर करके एक ऑप्शन आ रहा था और वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि वो कनेक्टेड है। तो अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। तो गाइस अभी हम अपनी कार को अपग्रेड कर चुके हैं। अभी हम बैक पे क्लिक करेंगे और अभी है रेस करने का टाइम और ये गाड़ियाँ हैं बहुत कम में मिल रही है। तो लाइट होते हैं गाड़ियाँ और देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी रेस पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे फॉर्मूला रेसिंग की कुछ इमेजेस दिखा रही हैं। देख सकते हैं ये है हमारी कार। तो मैंने यहाँ पे ऑटो एक्सेलरेट पे क्लिक किया, मतलब मैंने ऑटो एक्सेलरेट मोड में नहीं रखा है, मुझे खुद से ही एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। देख सकते हैं हमारी रेस कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस ओवरऑल गेम पैड का बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा गेम पैड जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ था। तो फ्रेंड्स बात करूँ इसके प्राइस की तो ये गेम पैड आपको बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 3,000 to 4,000 Amazon पे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I can't get you out of my mind.